मार दिया गोल गोल मारा भाई फॉर्मेट पर ये हमारा टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित हो रहा है। और ऐसी इनामी राशि निसंदेह खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करती है, उनमें उत्साह लाती है और उनके प्रदर्शन में भी निश्चित रूप से थोड़ा सुधार की जरूरत है। हमारे दाई तरफ है इमला गिनी और बाई तरफ है सियाल जोड़ा गिनी। और सबसे अच्छी बात कि इमला टीम में एक हमारा अपना बच्चा जो है वो दिख रहा है गोलकीपर के रूप में, और मेरे समय के साथी श्री नित्यानंद सरदार के सुपुत्र हैं और अपने पिता के पद चिन्हों पे चलते हैं। Come on!
फिर ये गोल ग्वाली की टीम करने में कामयाब हो चुकी है और अब फासला एक गोल की लीड पहले ही हाफ में 1-0 की लीड अब बना ली है ग्वाली की टीम, जो एक मनोवैज्ञानिक लाभ उनकी टीम के खिलाड़ियों को पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कोई शक। और एक गोल भी किया था इन्होंने, इसलिए हमारे साहू बाबू की ओर से जो है 200 रुपये की नगद राशि भी उनको दी। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मंगल मुंडा, जर्सी नंबर 7 मंगल मुंडा। मनोज भाई आप ही से गुजारिश करूंगा कि ये जो साहू बाबू की ओर से नगद राशि है एक गोल करने में कामयाबी हासिल की थी, लिहाजा उनको भी 200 रुपए की नगद राशि से सम्मानित किया जाए। नीमा साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद, नीमा साहू जी जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दरमियान नियम को इस घोषणा को लागू करने का और Thank you.
quieto, pues. ¡Ya va a ser! Yeah. Rank on there. Yeah. Kaji MT in Kulaman. 5947. Yeah. Das Gara. Tirpal Jira. सेकेंड हाफ स्टार्ट अब हमारी बाई तरफ है टिमला की नींद और ब्लैक कलर की जर्सी में किया जाए Yeah.
टैकल किशोर राय लिख गया है जो है आठ कलेक्शन में जब लगातार समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ और अभी भी लीड जो है लेकिन कामयाबी अभी भी सियाल जोड़ा को नहीं तो ये है परिस्थिति और धीरे धीरे घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं खेल समाप्ति के कगार की तरफ बढ़ते हैं लेकिन अच्छी स्थिति में इस वक्त सियाल जोड़ा झिपड़ा कर और आप तो कहना पड़ेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है क्योंकि दो गोल बिल्कुल आखिरी समय में एक गोल और करके लीड को और बढ़ा लिया गया चिमड़ा की टीम ने और अब उनकी लीड जो है 2-0 की है 2-0 की है और मैं नहीं समझता कि कोई चमत्कार सियाल जोड़ा की टीम को मैच में फाइट बैक करा सकता है। मार दिया गोल गोल मारा भाई और लगभग अब कहानी खत्म होती हुई क्योंकि बड़े ही प्रभावशाली अंदाज में किमड़ा की टीम ने अब 3 गोल की लीड ले चुकी है और मैच लगभग समाप्ति के कागार पे खड़ा है।